हाँ भाई, अब थक गए हम दूल्हा की बैठ भूख चुके के हैं। मुझे बचपन याद आ रहा था, इससे पहले रोना है उधर है। बचपन की याद आ रही, स्कूल गए थे जब हम। तो दोस्तों, बड़े मजे मजे की चीजें आ गई है। देखिए, ये हैं दही बड़े, बिस्किट्स और चाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत दे, खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम जाएंगे कहीं कहीं शबनम के घर। उसके बाद हम क्या करते हैं वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिए। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि हम आए दिन शबनम इरम। एक्चुअली हम बहुत करीब करीब हैं, तो आना जाना हमारा काफ़ी लगा रहता है। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं शबनम के घर। नॉक करते हैं। आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह भाई, शशके अलग है आज तो शबनम के। शबनम है भाई। तो दोस्तों, हम शबनम के घर से भी निकल चुके हैं और अब आए हैं हम अपने बड़े भाई के पास। बिल्कुल सरप्राइज है। हाँ, उनको कुछ नहीं पता है। उनको कुछ नहीं पता है। ये अचानक से हमने प्रोग्राम बनाया कि आज चलते हैं भाई के घर। तो चले, नॉक करते हैं दरवाजा, बेल बजाते हैं। खोलो भाई। कौन आया? अस्सलाम वालेकुम। अचानक बताते तो हम। ये है हमारी बड़ी भाभी जिनसे आप मिल चुके हैं पहले भी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाभी? और कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों, भाभी ने हमें यहाँ बिठा दिया है ड्राइंग रूम में, लेकिन हम छापा मारने जा रहे हैं किचन किचन में। आखिर वो कर क्या रही है मैडम? क्या कर रही है भाभी? मैंने तुम लोग की पसंदीदा दही बड़े बनाए हुए थे। मुझे पता नहीं था तुम लोग अचानक आज हो गया। बस वो हमारा नसीब था, लेकर आया था। बिल्कुल नहीं, ये बाकी हमारी बड़ी भाभी बहुत अच्छी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी। अच्छा चलो, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चीजें लेकर आ रही हूं। चलो ठीक है, ओके, आ जाओ। चलो आज हम खुल के बनाएंगे। हाँ, खुल के बनाओ। तो दोस्तों, बड़े मजे मजे की चीजें आ गई है। देखिए, ये है दही बड़े, बिस्किट्स और चाय। क्या ख्याल है आप लोगों का इस बारे में? ये तो मैंने सब अनएक्सपेक्टेड बनाया हुआ, मुझे नहीं पता था आज मेरी प्यारी नंदे आ रही है। आई अल्लाह, इतनी प्यारी। और दही बड़े तो रमजानों की याद दिला देती है भाई, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। हफ्ते में एक दिन दही बड़े मैं जरूर बनाती हूँ क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। स्पेशली मेरे हस्बैंड को अगर रोज खिलाऊं, रोज खाएंगे, शौक से खाएंगे, कभी भी मना नहीं करेंगे। आइए व्यूअर्स, हमारे साथ दही बड़े खाइए। हाँ जी, आ जाए, सब मिल के खाते हैं। हमने नाश्ता, चाय वाय सब खत्म कर ली है, अब हम बैठे हैं जी। चाय भी पी ली, नमाज भी पढ़ ली असर की। हाँ, अब हम सोच रहे हैं आपसे थोड़ी सी गपशप कर लें। हाँ, और ये देखें, आ गए हैं बड़े भाई चंद। सही है, वो चले गए, उनको बड़ी जल्दी में थे, वो चले गए। हाँ भाई, कोई काम है इनको, इसलिए वो बाहर चले गए। अब हम तीनों बैठ के गप्पे लगाएंगे। जैसे कि अभी इनसे मुलाकात हो गई है बड़ी भाभी से, अब नेक्स्ट जो हम ब्लॉग बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम दूसरी भाभी के जाएंगे, और कब जाएंगे ये तो डिसाइड करके फिर हम आपको बताएंगे। हम अचानक से पहुंचने वाले हैं, सारी भाभियों को परेशान करने वाले। हाँ, कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात। ये मेहनाज भाभी हैं। अरे भाई, जैसे दूसरी भाभी है हमारी नसरीन भाभी, हम उनके घर जाएंगे इंशाल्लाह।
मुलाकात होगी उनसे भी, वो भी हमारी इनकी तरह फ्रेंडली हैं, बहुत जॉली किस्म की है और मेरी उनसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बनती है। नहीं, हम किसी के भी कोई ऐसे ज़्यादा टिपिकल रिश्ता नहीं है, हम सब दोस्तों की तरह है। हकीकत है ये बात, तो सच है। नंदे नई बहने, हम सब एक साथ मिल के बहुत अच्छा टाइम गुजार लेते हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त माहौल है हमारे घर का। कभी आप भी आए हम सबके साथ बैठे आए हुए तो है, बैठे हुए तो है, हमारे साथ ही तो बैठे हैं। एनी टाइम इनके बगैर तो हम लोग रह ही नहीं सकते भाई, क्यों हमेशा। जी बिल्कुल, आप बर्दाश्त करें ना करें, हम रोज आ जाएंगे आपके हम आपसे मिलने रोज आएंगे। तो दोस्तों हम लोग नीचे आ चुके हैं, यहाँ है एक छोटा सा प्ले एरिया, टॉली को झूले में बिठा। ये देखें हम लोग अब पार्क आ गए, मैं इनको अपने हरमैन का पार्क दिखाने लेकर आई हूँ और यहाँ बच्चों के लिए बहुत प्यारे झूले लगे हुए हैं, साफ सुथरा ग्रीन ग्रीन है। अभी भाभी बैठ के बताएंगी इस झूले पे। अभी तो आ झूला रही है सही है। बहुत दिन बाद बैठी हूँ, ऐसे लग रहा बचपन याद आ गया। मैं भी आती हूँ तो आधा आधा घंटा बैठती हूँ फिर। हाँ भाभी आप इसमें बैठ जाए, ये वाले पे। चलो भाई। हाँ भाई अब हम बैठ चुके हैं, देखिए बचपन याद आ रहा था, इससे पहले रोना है उधर है। बचपन की याद आ गई, स्कूल गेंग थे जब हम, स्कूल में झूला कितना झूलते थे, याद होगा आप लोग भी यकीनन बचपन में। हाँ, झूलते तो थे लेकिन गिरते भी तो थे वो। जो हम गिरते थे उतर गए, इसी डर से हम उतर गए। हाँ, इज्जत इसी में कि चुपचाप यहाँ बैठा जाए। नहीं वैसे बहुत अच्छा एरिया है ना, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत इंजॉय भी कर सकते हैं इधर ना, थोड़ा दिल भी बहलता है यहाँ पर। आओ तुम, हवा भी बहुत ही शानदार चल रही है। ये क्या है, रात को 11 बजे तक बच्चों को लेकर बैठी थी। ये कौन सी रोड कहलाती, वो है ये लियारी एक्सप्रेस। लियारी एक्सप्रेस, हाँ जी, लियारी एक्सप्रेस वे है भाई, यहीं से निकलो और निकल जाओ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल परिया राजपूत ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस में मिलती रहे और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो अल्लाह हाफिज़।